Hello students, welcome to my YouTube channel. Today we will start with chapter number 4, parts and wholes, page number 60 in your textbook. Guess and check. What part of each shape is colored? First guess the answer and then check. Look at this figure carefully. Now, what part is colored? You have to guess. So, here you can see 1/8 part is colored. Now, figure number 2, shape number 2. Look at it carefully. What part is colored? Guess first. So 1/6 part is colored. Now shape number 3, what part is colored? Two by nine part is colored. Shape number 4. Guess what part is colored? 4/15 part is colored. Do you remember this picture? Look at the small triangle. What part of the square is it? How will you find out this? Find this out. See, आप लोगों को ये शायद याद होगा कि आप जब थर्ड स्टैंडर्ड में थे तब आपने ये पिक्चर देखा था. टेंग्राम कहते हैं इसको, चाइनीज पजल, राइट? तो ये जो ट्राइंगल है सेंटर में, वो कितना पार्ट है पहले गेस करना है एंड देन यू हैव टू फाइंड आउट. सो डिवाइड द बिग ट्राइंगल एंड द अदर शेप्स इनटू स्मॉल ट्राइंगल्स लाइक द रेड वन जो टॉप राइट साइड में है, राइट? वो भी उसी ट्राइंगल जितना ही है. सो हाउ मेनी स्मॉल ट्राइंगल्स आर ऑल टुगेदर, ये आपको फाइंड आउट करना है, राइट? इसका आंसर मैं नहीं बता रहा हूँ, आपको खुद ही करना है. ये टेक्स्ट बुक में कलर्ड पार्ट्स कंप्लीट दिस. सी दिस सर्कल इज डिवाइडेड इनटू टू इक्वल पार्ट्स. एज यू कैन सी वन इज ब्लू अनदर वन इज पिंक. सो आउट ऑफ डैश इक्वल पार्ट्स वन पार्ट इज कलर्ड ब्लू. सो एज यू कैन सी हाउ मेनी पार्ट्स आर देयर. सो आउट ऑफ टू इक्वल पार्ट्स one part is colored blue. Now look at this shape, second figure. So here the circle is divided into dash equal parts. You can see how many parts are there. 4 equal parts, 2 blue and 2 pink, right? So out of dash equal parts, dash parts are colored blue. So you can see how many parts are there. Total parts are 4. So out of 4 equal parts, 2 parts are colored blue. So if you compare both the figure number 1 and figure number 2, तो अगर दोनों को आप compare करेंगे तो blue का portion तो उतना ही है, right? So 1/1st में half है और second में भी half ही है, right? लेकिन second में हम उसको 2/4 भी कह सकते हैं. So 1/2 is equal to 2/4. 1/2 is equal to 2/4. See this figure now. Here is a circle, right? So here the circle is divided into 6 equal parts. Out of 6 equal parts, 3 are colored blue. So again I will tell you,
सर 1/2 इज इक्वल टू 2/4 था, वैसे ही ये 3/6, सो 1/2 इज इक्वल टू 2/4 इज इक्वल टू 3/6 होगा। नाउ लुक एट द फिगर नंबर 4, इसमें भी हाफ ब्लू और हाफ पिंक है, लेकिन थोड़ा ज़्यादा पार्ट्स कर दिए। सो हियर द सर्कल इज डिवाइडेड इंटू 8 इक्वल पार्ट्स, एंड आउट ऑफ 8 इक्वल पार्ट्स 4 पार्ट्स 4 आर कलर्ड ब्लू। सो 8 में से 4 है, इस मीन्स 1/2 इज इक्वल टू 2/4 इज इक्वल टू 3/6 एंड इज इक्वल टू 4/8। सो वी कैन से दैट 1/2 इज इक्वल टू 2 दिया हुआ है, नीचे वाला नंबर मतलब आपको नहीं दिया है, दैट इज 4, 2/4 इज इक्वल टू 3/6 इज इक्वल टू 4/8। नाउ लुक एट हियर, कटिंग द हलवा, या न्यू टॉपिक, वही सेम ये जो अभी आपने सर्कल वाला देखा है उसी टॉपिक पे है ये। रमेश बॉट अ पीस ऑफ हलवा फॉर हिज चिल्ड्रन अम्मू एंड अनु, राइट, एक पीस है आप देख सकते हैं बड़ा सा। सो ही डिवाइडेड इट इक्वली फॉर देम, उसने इक्वली डिवाइड कर दिया दोनों के बीच में। नाउ ईच विल गेट हाफ पार्ट ऑफ हलवा, मतलब एक पूरा था, होल था, उसमें से दो कट कर दिए तो हाफ पार्ट हो गए। नाउ दिस पीस इज टू बिग, वी कांट ईट इट, दे सेड, उसके बच्चों ने कहा कि दिस पीस इज टू बिग, वी कैन नॉट ईट। सो ही डिवाइडेड द पीसेस इन टू हाफ अगेन, मतलब ऑलरेडी हाफ थे और हाफ के भी हाफ कर दिए, राइट। सो नाउ हाउ मेनी पीसेस विल अमू गेट, मतलब दोनों में से एक को कितने पीसेस मिलेंगे, राइट। सो अमू विल गेट 2 पीसेस, वॉट पार्ट ऑफ हलवा इज इट, तो वो होगा 2/4, हाफ तो है ही, राइट, 1/2 इज इक्वल टू 2/4 ही होगा, मतलब वो हाफ ही है। नाउ मेक इट इवन स्मॉलर डैड, दे आस्ट, उन्होंने और उनसे रिक्वेस्ट की, अपने डैड से रिक्वेस्ट की कि इसको और भी छोटा बना दो डैड। सो ही अगेन कट द हलवा इन टू स्मॉलर पीसेस, सो एज यू कैन सी इन द पिक्चर 4 के उसने जो रमेश ने 8 पीसेस बना दिए। सो दे थैंक द डैड, ओ थैंक यू डैड। नाउ हाउ मेनी पीसेस विल ईच गेट, राइट, सो देर वर 8 पीसेस, सो अम्मू एंड अन्नू गेट 4 पीसेस ईच, दोनों को 4-4 मिलेंगे, राइट, 8 में से 4-4। सो वॉट पार्ट ऑफ हलवा इज ईच पीस नाउ, सो ईच पीस इज नाउ 1/8 पार्ट ऑफ हलवा, टोटल 8 पार्ट्स है और हर एक पीस एक है, तो 1/8 पार्ट ऑफ हलवा। इफ रमेश हैड कट द हलवा इंटू 6 इक्वल पार्ट्स, हाउ मेनी पीसेज वुड ईच हैव गॉट, लुक एट योर आंसर्स फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1, 2, 4 एंड राइट, सी हाउ दे विल गेट, अगर उसने 8 पार्ट्स की जगह पर 6 किए तो दोनों को 3-3 मिल जाते, राइट। नाउ सी हियर, 1/2 इज इक्वल टू 2/4 इज इक्वल टू 3/6 इज इक्वल टू 4/8 इज इक्वल टू 5/10 एंड इज इक्वल टू 6/12, ये सारे इक्वल है, राइट, सारे का मतलब होता है हाफ ही होता है। पार्ट्स ऑफ द स्ट्रिप, लुक एट द पिक्चर, राइट वॉट पार्ट ऑफ स्ट्रिप इज ईच ग्रीन पीस, वॉट सॉरी राइट द पार्ट फॉर अ पीस ऑफ ईच कलर, राइट, हमें पहले देखना है कि ग्रीन पीस और हर एक पार्ट का हमें वो पार्ट भी लिखना है, दो अभी हो जाएगा वो फटाफट, देख लीजिए आप ध्यान से, बहुत ईजी है। सी फर्स्ट स्ट्रिप यू कैन सी इट इज होल, होल को हम 1 रिप्रेजेंट करते हैं, होल, राइट। उसके बाद सेकेंड लाइन में उसको हमने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, सो इट मीन्स वो दोनों क्या है, हाफ। अब हमने आगे क्या किया, हाफ का भी हाफ कर दिया, तो हमने 4th स्टैंडर्ड में सीख लिया है दैट हाफ ऑफ हाफ इज 1/4, राइट। सो 1/4 हो गए, 4 पीस हो गए, और उसके भी हमने और हाफ हाफ कर दिया, मतलब हाफ का हाफ और उसका भी हाफ, दैट इज 1/8। सो नीचे वाली सारी जो स्ट्रिप है वो सारी क्या है, 1/8। सो हाउ मेनी 1/4 विल मेक अ हाफ,
सो हियर यू कैन सी 2/1/4 लाइक जो हाफ के जितना हो जाता है. सो 2/1/4 विल मेक हाफ. कैसे बनेगा? दैट 1/4 प्लस 1/4 इज इक्वल टू 2/4. एंड अगेन जो 2/4 है न्यूमरेटर और डिनोमेटर दोनों को 2 से डिवाइड कर सकते हैं हम, राइट? आगे तो वो हो जाएगा हाफ. हाउ मैनी 1/8 विल मेक 1/4? सो आप देख लीजिए, 2 1/8 मिलके 1/4 बन रहा है. आपको ये स्ट्रिप्स वाले फिगर में दिख रहा है. सो यू कैन राइट योर आंसर, 2 1/8 विल मेक 1/4. 1/8 प्लस 1/8 इज इक्वल टू 2/8. नाउ डिवाइड बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमेटर विथ 2, यू विल गेट 1/4. हाउ मैनी 1/8 आर इन 1/2? तो एज यू कैन सी 1/2, अगर ये लाइन आप सीधे से देखेंगे तो यू कैन सी देर आर 4 1/8 इन इट. सो 4 1/8 आर इन हाफ. सो 1/8 प्लस 1/8 प्लस 1/8 प्लस 1/8 इज इक्वल टू 4/8, एंड दैट इज इक्वल टू हाफ. इफ यू डिवाइड बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमेटर बाय 4, विल गेट 1/2. Now ask your friend some question on the same picture. See if you can ask online, then only you do this activity. Patterns. Look at this square. इस square को ध्यान से देखिए. What part is colored blue? ये जो आपको देख रहा है right side में नीचे green part की left side में है ना, वो blue कितना part है? That is your question. Guess first. Now you can see that it is 2/16. So from the figure we can say that out of 16 square, 2 squares are colored blue. That is 2/16 or 1/8 part is colored blue. See, dividing numerator and denominator both by 2, we will get 1/8. So 1/8 bhi likh sakte hain, 2/16 dono answer correct honge. What part is green? अब ध्यान से देखिए, अब आपको पता चल ही जाएगा कि एक पार्ट है और टोटल 16 है, राइट? सो फ्रॉम द फिगर वी कैन से दैट आउट ऑफ 16 स्क्वायर, 1 स्क्वायर इज कलर्ड ग्रीन. दैट इज 1/16 पार्ट इज कलर्ड ग्रीन. पजल, इज इट इक्वल? मिनी सेज हाफ ऑफ हाफ and 1/3 of 3/4, right? Half of half and 1/3 of 3/4 are equal. Do you agree? And how will you show this? Solve this puzzle. You can ask to your friends also. From a part to whole. This show 1/5 petals of a flower. ये पिक्चर देखिए, उसमें 1/5 petals of flower है. Complete the flower by drawing the other petals, right? तो इसमें एक पत्ती आपको दिख रही है, right? एक पत्ती दिख रही है और ये जो आपके 1/5 है वो शो कर रहा है कि टोटल 5 पत्तियाँ हैं, उसमें से एक आपको दिख रही है, right? So आपको बाकी की 4 इसमें draw करनी है. So your figure would be something like this. आपका जो picture है वो ऐसे बनेगा. Now second one. The picture shows 1/3 of the blades of a fan, right? 1/3, 1/3. ऊपर का number जो है वो selected portion दर्शाता है और नीचे का number जो है वो total number of blades दर्शाता है, right? तो यहाँ पर selected 1 है and total number हो जाएंगे 3. So कंप्लीट द पिक्चर बाई ड्राॅइंग द फिगर ड्राॅइंग द अदर ब्लेड्स. तो 1 है और टोटल आपको 3 बनाने हैं, तो आपको और 2 ड्रॉ करने होंगे, तो समथिंग ऐसा बनेगा आपका पिक्चर. नाउ लेट्स मूव ऑन. हाफ ऑफ द ब्लेड्स ऑफ अनदर फैन आर शोन हियर. देखो यहाँ पे हाफ ब्लेड्स ड्रॉ कर दिए गए हैं. नाउ कंप्लीट द पिक्चर बाई ड्राॅइंग द अदर हाफ, राइट? हाफ ऑलरेडी ड्रॉन है और अदर हाफ हमें ड्रॉ करना है. सो How many blades you have you drawn? So you have to draw 2 blades more. So 4 blades. Rupees and paise.
हाउ मेनी 50 पैसे विल मेक 1 रुपी? सो ये आंसर तो आप थर्ड स्टैंडर्ड में सीख चुके थे दैट 250 पैसे कॉइन्स मेक 1 रुपी कॉइन. सी हाफ प्लस हाफ इक्वल्स टू 1. सो हाफ रुपी प्लस हाफ रुपी, 50 पैसे इज इक्वल टू हाफ रुपी. इज 50 पैसे हाफ ऑफ 1 रुपीज? क्या 50 पैसे 1 रुपी का हाफ है? तो योर आंसर इज यस, 50 पैसे इज हाफ ऑफ 1 रुपी. हाउ मेनी 25 पैसे विल मेक 1 रुपी? सो 25 पैसे 1 रुपी का कितना होता है? 1/4 पार्ट होता है, राइट? सो 4 25 पैसे कॉइन्स मेक 1 रुपी. नेक्स्ट क्वेश्चन, 25 पैसे इज डैश पार्ट ऑफ 1 रुपी, दैट इज 1/4 पार्ट. अभी अभी हमने डिस्कस किया, राइट? 20 पैसे इज 1/5 पार्ट, क्योंकि 5 20 पैसे कॉइन मेक्स 1 रुपी. सो हाउ मेनी 10 पैसे विल मेक 1 रुपी? 10 पैसे कितने होंगे? सी हियर ड्राइंग इज गिवन 10. सो 10 पैसे इज 1/10 पार्ट ऑफ 1 रुपीज. 10 10 पैसे विल मेक 1 रुपीज. सो 1 10 पैसे इज 1/10 पार्ट ऑफ 1 रुपीज, 1 रुपी. दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू वेरी मच.